मुरादाबाद के बिलारे विधानसभा क्षेत्र में सपा के 30 विधायक मोहम्मद फहीम के आवास पर पहुंचे। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और गठबंधन लोक दल के सभी प्रत्याशी जीत रहे हैं। 2022 में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में जन विरोधी योगी की सरकार को हटाएगी। पार्टी के साथ ही सब नौगावा सादात के चुनाव में लगे हैं, क्योंकि कई भाई की बालदा का जहां टुकड़ा और उस समय कोविड का ऐसा माहौल था, नहीं आ पाया। परिवार को अपने लोगों से संवेदना दे रही मैं हूँ, हमारा पुराना परिवार, हम लोग चुनाव में लगे हुए। पूरा यकीन है कि हम लोग बड़े वोटों से चुनाव नौगावा का भी जीत रहे हैं और नौगावा के साथ जो और छह चुनाव प्रदेश में चल रहे हैं सभी में समाजवादी पार्टी की जीत होगी, गठबंधन के साथ ही लोकदल की। बाईस में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से फिर से एक बार सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश से जन विरोधी योगी जी की सरकार को हटाएगी भी, और जो हमारी सरकार बनेगी वो प्रदेश की जनता के हितों के लिए, बेहतरी के लिए। पहले भी बहुत ऐतिहासिक काम हुए और आने वाले समय में और ऐतिहासिक काम होंगे युवाओं के लिए, रोजगार के लिए। स्वाभाविक तौर पे हमारे लीडर माननीय अखिलेश जी जो युवा हैं और युवाओं के लिए जितना बेहतर वो सोच सकते थे और कर सकते थे उन्होंने करके दिखाया है। आज हम फख्र के साथ कहते हैं कि हमारे लीडर ने अब इस बात की कहीं सबूत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता के बीच उन्होंने इतने काम कर दिए हैं, लोगों का यकीन और भरोसा उनके ऊपर। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो ये बीजेपी के लोगों से पूछिए, इस रास्ता का जवाब वही देंगे ना, क्योंकि इन्होंने जनता को जिस तरह से गुमराह किया कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार इनकी सरकार, अब की बार उनकी सरकार, अब की बार बीजेपी की सरकार, अब उसका जवाब बीजेपी के लोगों को देना चाहिए। सांसद जैसे तो पहले भी कहते थे, उन्होंने खुद ही कहा है उन्होंने, एक समाजवादी पार्टी है, कौन किसका गठबंधन हो रहा है नहीं हो रहा इसकी परवाह किए बिना समाजवादी पार्टी जनता के साथ है।